हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास 11th, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, लेसन नंबर 2 प्रोज में है। लेसन नंबर प्रोज का 2 है, ठीक है। वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कॉक एंड एलन ईस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ 100 से 150 वर्ड्स, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 या 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। 100 से 150 शब्दों के बीच में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। कहानी किस प्रकार प्रकट करती है कि आशावाद दारुणतम मानसिक दबाव को सहन करने में सहायता करता है? आंसर पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द वर्ड सस्टेंस ऑन ऑप्टिमिज्म द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई इज फुल ऑफ एग्जाम्पल दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। एग्जाम्पल्स नंबर 1 है, द नरेटर्स स्टार्ट्स ऑन हिज प्लान्ड 3 years वोएक विद ऑप्टिमिज्म। द नरेटर सेलिब्रेट्स क्रिसमस डे इन स्पाइट ऑफ एट्रोसियस वेदर, फुल स्टॉप। ही होप्स फॉर द बेटर वेदर इन एनॉर्मस वी अटैक्स द शिप परफेक्टली वर्टिकली ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन सेक्स द डेक नरेटर्स हैड स्मैशेस इनटू द व्हील। ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ इवन देन ही इज होपफुल फॉर लाइफ। नंबर 4 हो जाएगा आपका, द बेब टॉजेस, नंबर 4 देखेंगे, द बेब टॉजेस द नरेटर अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, फुल स्टॉप। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक हिज माउथ इज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। ही रिपेयर्स द शिप इन दिस कंडीशन एंड स्टॉप द लीक ऑफ द शिप। ही इज hopeful that he will be able to proceed on his voyage crossing so many hurdles. Number 5, Carrie and Herb pump out the water for 3 days with a hope that would be able to get rid of the water. Conclusion, they are hopeful to reach an island and are successful to reach it. It shows optimism helps to endure the direst stress. देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन की मैं आपको हिंदी समझा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसको द्वारा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरीके से और आसानी से लर्न कर सके। ओके, भूमिका, दुनिया आशा पर टिकी है। कहानी वी आर नॉट अफेयर टू डाई उदाहरणों से भरी पड़ी है कि आशावाद दारुणतम मानसिक दबाव को सहन करने में मदद करता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, कथाकार 3 वर्ष की नियोजित समुद्री यात्रा पर आशावाद से रवाना होता है।
बहुत बुरे मौसम के बावजूद भी कथाकार क्रिसमस दिवस मनाता है। वह अच्छे मौसम की आशा करता है। एक विशाल लहर जहाज पर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में आक्रमण करती है। विशाल विस्फोट जहाज की छत को हिला देता है। कथाकार का सिर चक्र से टकरा कर घायल हो जाता है। वह आने वाली मृत्यु को स्वीकार करता है, फिर भी वह जीवन के लिए आशावादी है। लहरें कथाकार को जहाज की छत के चारों ओर कपड़े की गुड़िया की तरह उछालती है। उसकी बाईं साइड की पसलियां चटक जाती हैं। उसका मुंह खून और टूटे दांतों से भरा हुआ है। वह इस दशा में भी जहाज की मरम्मत करता है और जहाज की लीक रोकता है। वह आशायुक्त है कि इतनी बाधाओं को पार करके वह अपनी समुद्री यात्रा पर आगे बढ़ेगा। नंबर 5, लारी और हार्व 3 दिन तक पानी बाहर निकालते हैं। उन्हें आशा है कि वे पानी से छुटकारा पा लेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन को हम निष्कर्ष कहते हैं। वे एक द्वीप पर पहुंचने के लिए आशावादी हैं और वे वहां पहुंचने में सफल हो जाते हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि आशावाद दारुणतम मानसिक दबाव को सहन करने में सहायता करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया इसके, बाकी अब ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि लेसन नंबर 2 है ये प्रोज का। इसको आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना, आप नोटबुक में ये क्वेश्चन नोट करने हैं और लर्न करने हैं फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और देखिए आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द नरेटर अंडरटेक द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज? व्हाट डिड ही डू फॉर दिस अंडरटेकिंग? देखिए, कथाकार ने संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा करने की जिम्मेदारी क्यों ली? उसने इस कार्य के लिए क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, द नरेटर अंडरटेक द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज टू डुप्लीकेट इट विच वॉज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। He had spent all his leisure time having his ciphering skills for the past 16 years. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, Who were Larry and Herb? Why did the narrator take them with him? देखिए, लारी और हार्व कौन थे? कथाकार ने उनको अपने साथ क्यों लिया? तो लैरी बिगिल एंड अमेरिकन एंड हार्व सेगलर ए स्विस वर द क्रूमैन। द नरेटर टुक देम विद हिम टू हेल्प हिम टैकल द साउथर्न इंडियन ओशियन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट स्टेप्स डिड द कैप्टन टेक टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन? जब मौसम खराब होना शुरू हुआ, जहाज की सुरक्षा के लिए कप्तान ने क्या कदम उठाए? तो व्हेन रफ वेदर बिगेन द कैप्टन स्लॉड द बोस्ट डाउन ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब लास्ट ए हैवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टीम एंड डबल लास्ट एवरीथिंग।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट स्टेप्स डिड द कैप्टन टेक टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप? जहाज में पानी की बाढ़ को रोकने के लिए कप्तान ने क्या कदम उठाए? टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, लैरी एंड हार्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। द कैप्टन डिड सम रिपेयर वर्क, ही स्ट्रेच्ड कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैचड कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ डिड द चिल्ड्रंस रेस? हाँ, क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे। हाउ डिड द चिल्ड्रंस प्रेजेंस एंड बिहेवियर ड्यूरिंग द क्रेसिस इफेक्ट द नरेटर? बच्चों की उपस्थिति और व्यवहार ने कथाकार को नाजुक समय में कैसे प्रभावित किया? चिल्ड्रंस प्रेजेंस क्रिएटेड ए होमली एटमॉस्फेयर एंड देयर बिहेवियर चीयर्ड द नरेटर ड्यूरिंग द क्रिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके क्वेश्चन मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों करा दिए हैं। अब आपको इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है और अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।